चलो मौसम तो आज अच्छा है, ये एक अच्छी बात हो गई। बाकी अपनी ट्रेन भी सब सही है, बस निकलना है अपन को। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं डीएल वैली के एक और न्यू जर्नी के साथ। एंड आज हम लोग पैसेंजर कार्ट या बोल सकते हो पैसेंजर वैगन्स हॉल कर रहे हैं। अपने एक भाई ने रिक्वेस्ट डाली थी, सो एवीआर या स्पेशली आपके लिए भाई। निकलने से अभी टाइम है अपन को, निकलने में आराम से निकलेंगे, ठीक है? बहुत टाइम है अपने पास। तो निकलने से पहले आप सभी को बताता हूँ कि आज यार्ड में चल क्या रहा है। तो भाई अपना ऑल माइटी D6, ठीक है, ये खड़ा हुआ है, शंटिंग लाइट ऑन है इसकी क्योंकि जस्ट अभी आया है ना ये। एंड ये रेक, ब्लू रेक्स लेके जा रहे हैं आज अपन लोग। ये रेक स्पीड के लिए बहुत अच्छी है, बट ब्रेकिंग में थोड़ी पीछे पड़ जाती है ये, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, अपन इसके ब्रेक्स यूज़ कर लेंगे। एंड स्पीड अपनी बहुत रहने वाली है यार, अपन पहले बता दूं मैं, ये जाने वाली है सीधा अब हार्बर एंड टाउन की तरफ। एंड स्पीड अपनी बहुत रहने वाली है एज ऑलरेडी सेड, तो आप लोग को मज़ा ज़रूर आएगा। जिन लोग को स्पीड पसंद है भाई, आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। बाकी ये है अपने एक SO6 है ना, ये यस SO6। एंड ये खड़ा हुआ है यहाँ पर एक ग्रीन रेक के साथ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीच में अल्टरनेट है, अल्टरनेट रेक्स लगाई गई हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर अभी तो डिपार्ट करेगी नहीं, नहीं है तो मैं पटरी एक बार यहाँ पे पार कर लेता हूँ, देवी गो। तो ये है अपनी रेड रेक्स। एंड यार आप में से बहुत से लोग को मालूम होगा, ठीक है, एक अच्छा हिंट आपको देता हूँ मैं। इसमें लगा हुआ है DE6, सॉरी नॉट D6, DH4, आई एम सॉरी DH4, क्या हो रहा है मुझे आजकल। ओके तो यार थोड़ा मैं बीमार हूँ तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं यार, ठीक है। बाकी ये लगा हुआ है अपना DH4 विथ रेड रेक्स। एंड अभी हो रहा है सुबह का टाइम, एकदम प्योर प्योर सुबह का टाइम। तो मुझे बताओ यार ये ट्रेन कौन सी है? आप लोगों में से बहुत से लोग को मालूम होगा जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, उन लोग को ये मालूम होगा कौन सी ट्रेन है ये, ठीक है। अच्छा एक हिंट और दे दूँ, इसमें 2 DH4 लगते हैं, अभी एक DH4 लगा हुआ है क्योंकि दूसरा DH4 मेंटेनेंस हो गया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सी ट्रेन है ये कमेंट में, जो कमेंट सही करेगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर अपने चलते हैं लोकोमोटिव में। एंड चेक मैंने सब कर लिया है मेरे भाई। एंड ईओटी लांटन नहीं लगाया मैंने, हाँ ईओटी लांटन लगा देता हूँ मैं, बिकॉज ज़रूरी है ना वो। और हाँ ठंडों का मौसम हो रखा है आप लोग अगर नहीं पता तो, बट आज कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, बट अच्छी बात है कि आज कोहरा नहीं है, वरना तो दिक्कत हो जाती है, हम लोग जाते इस भगा नहीं पाते, बिकॉज कोहरे में ना ट्रेन को दौड़ाने की इतनी मतलब परमिशन रहती नहीं है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देयर वी गो। एंड इसकी जो कैब लाइट है बंद ही रहने दूंगा मैं, ठीक है। तो ब्रेक्स आर रिलीज्ड, सारे जो ब्रेक्स है वो रिलीज हैं, हैंड ब्रेक्स वगैरह। एंड हेडलाइट रियर की मैं ये कर देता हूँ, रियर की आई मीन, तो मुझे जिससे सामने का दिखे कुछ, जस्ट लाइक दैट। एंड इसे लगा देते हैं अपन, बिकॉज ठंडी हवा आएगी यहाँ से, जम जाऊँगा मैं। तो रिवर्सर डालते हैं ये, एंड जाने का वक्त अपना हो चुका है, बस एक बार सिग्नल का वेट कर रहा हूँ जो कि अभी जस्ट आते ही होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कम ऑन, देयर वी गो, वेरी गुड। तो अब चलते हैं फिर, डिपार्ट करते हैं। वेरी वेरी नाइस, तो हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं सिटी साउथ वेस्ट स्टेशन से, एंड अपना नेक्स्ट स्टॉप होगा सीधा अब हार्बर एंड टाउन। अच्छा मैंने आपसे प्रायोरिटी की तो बात की नहीं, इस ट्रेन को भी ठीक ठाक प्रायोरिटी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट हाँ है। बाय द वे लाइट दो क्या पड़ रही है इस पर, है ना, SO6 होगी, कितना मस्त लग रहा है ना। एंड हम लोग यार्ड छोड़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार हम लोग पूरा स्टेशन पार कर जाएं, फिर हम लोग एक्सेलरेशन शुरू करेंगे अपना। बाकी आप लोग साउंड भी इंजॉय करो ट्रैक्स के, बहुत मस्त आ रहे हैं आज तो।
ओके तो जो अपना स्टेशन है वो पार हो चुका है एंड अब मैं स्पीड बढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। चलो आज यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं खड़ी आई गेस। हाँ वरना यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रेन खड़ी रहती है अपने लिए, अपन जब पास होंगे तभी यहाँ से ट्रेन जाती है। बट सुबह का टाइम है, कोई अभी पैसेंजर ट्रेन चल नहीं रही है। अच्छा अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बता दूं, जो अपन लेके जा रहे हैं वो पहली ट्रेन है सुबह की, जो सिटी साउथ वेस्ट से निकलती है वो पहली ट्रेन है। उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन्स कंटिन्यू हो जाएंगी। उसमें से एक फेमस ट्रेन भी है जो आपको पता है, अगेन मैं आपको हिंट नहीं दूंगा और, ठीक है, वो ट्रेन भी है जो इसके बाद निकलती है। बट आपको लगा था कि इसके पहले निकलती होगी, बट इसके बाद निकलती है वो। सो कौन सी ट्रेन है अगेन वापस बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड वंस अगेन जिसका कमेंट सही रहेगा उसको पिन कर दूंगा मैं। बाकी यार आज का मौसम कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे फटाफट से बताओ, मज़ा आ रहा है नहीं आपको साउंड वगैरह में? एंड ग्राफिक्स तो आपको पता ही है डीएल वैली के। चलो फिर एक अच्छा सा हॉर्न देते हैं एंड अपने जो लोकोमोटिव है उसको हल्का सा पुश करते हैं। देवी गो। एंड अभी आप लोग सिर्फ D6 का एक्सेलरेशन देखना, अब मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग सिर्फ साउंड इंजॉय करो थोड़ी देर के लिए।
व्हाट यार, रुक 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 रुक। इंटरेस्टिंग, अपन को सिग्नल नहीं दिया गया है। हम लोग जल्दी आ गए क्या? ओके मे बी हम लोग जल्दी आ गए हैं। ठीक है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा फिर हमको। बाकी ट्रेन तो बहुत डेंजर दौड़ाई हम लोगों ने, कुछ भी कह लो, और उसकी थोड़ी सर्विस करानी पड़ेगी, तो शायद ये अब लोकोमोटिव सर्विस यार्ड में जाके ठीक होगा। बाकी हाँ, आई थिंक सो कुछ तो काम चल रहा है वहाँ पे, इसलिए अपन को सिग्नल नहीं मिल रहा है। शायद कोई ट्रेन क्लियर हो रही होगी, अभी शंट हो रही होगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें। गलती हमारी है, हम लोग जल्दी आ गए। गलती तो नहीं बोल सकते, एडवांटेज बोल सकते हैं। अब जिन लोग को घर मतलब जिन लोग का घर यहीं पे आसपास होगा तो उतर गए होंगे अब तक तो। बट यार अपना काम तो उसको स्टेशन तक ले जाना है, इसलिए अपन लोग स्टेशन पे लेके जाएंगे उसको। बड़ा कुछ भी कह लो, एक मिनट, चलो ये मिल गया अपन को। कुछ भी कह लो यार, सुबह के टाइम अपना जो ये है ना हार्बर एंड टाउन, वो कितना मस्त लगता है। आप लोगों को एक बात माननी पड़ेगी यार, एकदम लाइक शांत, कोई मतलब शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। चलो अपन निकल चुके हैं, एंड अब पास में ही है डेस्टिनेशन, ज़्यादा दूर नहीं है, बस इसके ब्लॉक के पीछे ही है। एंड ई यार्ड आज फुल भरा हुआ है, बहुत काम चलने वाला है ई यार्ड में आज तो। वैसे ये टाइम अभी एक ट्रेन निकलने का है, तो होपफुली देखते हैं डिपार्चर देखने को मिल जाता है शायद, तो भी अच्छी बात है। नहीं भी मिलता है तो ट्रेन को ही देख लेंगे, है ना। शायद अपन को ट्रेन देखने के लिए मिल जाएगी, अब वो देखते हैं मिलती है कि नहीं। ओके, हेडलाइट्स तो मुझे दिखाई दे रही हैं, किसी के हेडलाइट्स की जो रोशनी है वो दिखाई दे रही है। ट्रेन कौन सी है ये, आप लोग गेस करो। एंड यस, जो मैंने सोचा था वही ट्रेन है ये। इसका तो डिपार्ट देखने के लिए बनता है यार, डिपार्चर देखने के लिए इसका तो भाई बनता ही बनता है भाई। कौन ही होगा जो इसका डिपार्चर नहीं देखेगा। क्या बात है यार, आलीशान लोकोमोटिव्स भाई। अगेन गाइस, रेड रेक्स, आपको पता ही होगा कौन से रेक्स होते हैं रेड वाले, आप सबको ही पता होगा यार। एंड बस 6 बजने वाले हैं, एंड 6 बजे इस ट्रेन का डिपार्चर हो जाएगा, एंड उसके लिए मैं वेट करने वाला हूँ भाई। आप लोग को भी दिखाऊंगा, आप लोग को रुकना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिपार्चर होने के बाद ही जाओ आप लोग वीडियो छोड़ के, इससे पहले जाओ ही मत। चलो ब्रेक लगा देते हैं फटाफट। There we go। बस एक काम यहाँ पे करना है मुझे, ये ट्रेन वैसे गंदी तो बहुत हो गई। एक मिनट, टाइम हो गया क्या? अरे वाह, टाइम हो गया। तो ये लो गाइस, डिपार्चर देख लो, एक सुपर फास्ट ट्रेन का। नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा, नाम आपको बताना पड़ेगा मुझे। आय हाय, क्या बात है, क्या हॉन्क है भाई, क्या हॉन्क है। साउंड एंजॉय करो।
चलो सायोनारा सायोनारा, फिर कभी मिलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है एंड इस पे तो नज़र गई नहीं मेरी। ग्रीन रेक्स, ओके, यहाँ क्यों खड़े हैं ये, आई हैव नो आइडिया। चलो ठीक है, जो भी है, ये ट्रेन यहाँ से जा चुकी है एंड वक्त आ चुका है अलविदा कहने का आप लोगों से। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, एंड वन सेकेंड थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड सब्सक्राइब किए, मेरे जाना मत, लाइक भी ठोक दो। यस, जय हिंद, जय भारत।